सो गाइस, कल मैं जो है यहाँ पर व्हाट्सएप चला रहा था और भाई स्टेटस देख रहा था भैया लोगों के, लोगों ने क्या क्या वीडियोस डाल रखे हैं स्टेटस इस पे। तो मेरे को भाई सबसे ऊपर देखने को मिला व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का स्टेटस। अरे मैंने कहा भैया व्हाट्सएप का नंबर कहाँ से आ गया मेरे पास। तो दोस्तों ये स्टेटस बड़ा ही मस्त था, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टक टक की फक फक की साउंड आ रही है, जैसे अभी आपको कैंची गिरने की आवाज़ सुनाई दी वैसी। सो गाइस, ये क्या है, मतलब व्हाट्सएप का ये जो स्टेटस अभी आपको भी दिख रहा होगा कि ये क्या है, इस स्टेटस का मतलब क्या है, और आपने आइंदा ऐसे स्टेटस व्हाट्सएप के देखे होंगे तो इसका मतलब क्या है, व्हाट्सएप क्यों लगाता है इसको, इन सब का क्या उद्देश्य है, और भी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर की हैं जो कि आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हो। तो एंड तक देखना भाई, ये बहुत नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टेटस भी दिखाया है, मज़े भी आएंगे आपको इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। और इस वीडियो में लाइक की कमी बिल्कुल नहीं चाहिए, कल की वीडियो में बहुत कम लाइक हुए, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों आप लोगों ने लाइक नहीं किया, इतनी इंपॉर्टेंट इतनी अच्छी वीडियो बनी थी वो, लेकिन फिर भी लोगों ने लाइक नहीं किया। लोग मतलब 60-65% तक लोग वीडियोस को देखते हैं, 70% तक कल की वीडियो देखी गई थी, लेकिन उस पर लाइक की संख्या भाई क्या बोलूँ मैं, मेरे को क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत कम थी। गाइज ऐसा क्यों करते हो आप, मतलब आप पूरी देखते भी वीडियो अच्छी भी लगती है, आप लाइक करना भूल जाते हो, भैया मुझे अच्छा नहीं लगता, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड तक देखना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ऐसे ही मैं जो है कल व्हाट्सएप चला रहा था, स्टेटस देखने गया भैया थोड़ा वो चाय वाय पीते समय, एक हाथ में चाय की प्याली हो, एक हाथ में व्हाट्सएप का स्टेटस वाला टैब हो, तो वहाँ पर भैया मैं गया और वहाँ पर मेरे को सबसे ऊपर ही दिखा व्हाट्सएप। मैंने कहा ये क्या है, इसमें व्हाट्सएप को जैसे मैंने क्लिक किया वहाँ भैया टक टक की साउंड बजने लगी, जैसे ट्रे में कुछ चाय का कप रख दिया। मैंने कहा चाय पीते पीते भैया व्हाट्सएप पे चाय कैसे घुस गई, सच में ऐसी साउंड है आपको भी पता चलेगा। तो मैंने कहा भैया ये क्या हो गया, ये कौन सा कैसा स्टेटस दिख रहा है मेरे को, तो तब मेरे को समझ में आई चीज़ें। और ये एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, जब व्हाट्सएप की नई नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी तब भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या स्टेटस इसे लगाए थे कि हम कुछ नहीं चुराते उराते, भैया ये सब बताना थोड़ी होता है। और भी पता नहीं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्हाट्सएप अपना ही स्टेटस लगा देता है, तो इसकी क्या रियलिटी है, क्यों होता है, ये क्या है ये चीज़, तो मैं एंड में बताऊंगा। सबसे पहले स्टेटस देखते, चलिए व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप में चलते हैं, अब चलेंगे स्टेटस टैब में, अब चलते हैं सबसे लास्ट में, देखिए व्यूड अपडेट्स में दिखे गए, मतलब गाइस व्यूड अपडेट्स में भी सबसे ऊपर दिख रहा है। नोटिस करना, जब आप स्टेटस में जाओगे और अगर आपने नहीं देखा होगा तब भी सबसे ऊपर दिखेगा वो, चाहे किसी ने लगा भी दिया उसके बाद, अगर व्यूड अपडेट्स में जाओगे तब भी सबसे ऊपर दिखेगा। चलिए चलाते हैं, सुनिएगा आवाज़ें, वो ये मैसेज आता है जब कोई भी वो ए घंटी घंटी वही घंटी बज रही, घड़ी बज रही थी, अभी देखना, आए है वॉइस नोट जा रहा है, आए है वॉइस नोट चला गया, अभी देखना क्या होगा। ये देखिए ट्रे में वो हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा, अरे घड़ी चल गई भैया फिर से, क्या कर रहे हैं ये, वो हो रही है, टक टक हो रही, क्या हो रही है, ओह बम फट गया, फिर से आ गया मैसेज, अब बाय ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये क्या था भैया, किस टाइप का स्टेटस था ये, हम विजुअल इम्पेयर लोगों को तो यहाँ पर अब कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में स्टेटस है क्या अभी आपको पता चलेगा, लेकिन ये है जो भी मज़ेदार है गाइस। यहाँ पर मैं चाय का कप जो बता रहा था आपको, आई होगी साउंड, चली फिर से चलाते, एक बार मज़ा सा आता है इसको सुनने में, देखिए आई हाई मैसेज चला गया, ये देखिए घड़ी चल रही है, पता नहीं किसका समय अंत हो रहा है, अभी अभी ट्रे में कुछ रखा गया था, फिर से रखा जाएगा, अभी दो कप चाय बन रही है, वो इस नोट चल रहा है, चला गया वो इस नोट, कैंसिल हो गया, चला गया, ये देखिए चाय रख दी, ओए हवाई जहाज उड़ रहा है, फिर से घड़ी चल रही, वो हो रही है, बम फट गया, गोली लग गई, ये क्या हो रहा है, बंदूक खत्म हो गई, गन खाली खाली गन चला रहा है। तो इस तरह के गाइस कुछ साउंड्स यहाँ पर आ रही है जो कि मतलब देखा जाए तो यार काफी मतलब अजीब भी है, मजेदार भी है। अब ये लोग प्रमोट कर रहे हैं गाइस डिसअपीयरिंग मैसेजेस को, जी हाँ यहाँ पर आप अगर गौर करोगे, इसको मैं चलाता हूँ और आगे जाओगे लर्न मोर मिलेगा, लर्न मोर पे जैसे क्लिक करेंगे क्रोम खुलता है, तो देखिए यहाँ पर क्या खुलेगा, अबाउट डिसअपीयरिंग मैसेजेस,
गाइस मतलब डिसअपीयरिंग मैसेजेस को प्रमोट किया जा रहा है स्टेटस के द्वारा। अब मैं बताता हूँ आपको इन साउंड्स का मतलब क्या है। बैक करेंगे। सो गाइस यहाँ पर जो साउंड्स बज रही हैं इनमें ये दिखाया जा रहा है कि मैसेज जा रहा है ना, एक समय के बाद वो मैसेज डिलीट हो रहा है, मतलब गायब हो रहा है वहाँ से, है ना। वो जो बंदूकें मैं बता रहा हूँ सब कुछ पटाखे वटाखे फट गए, वो गायब वायब होने की आवाज़ें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गाइस इस एड को, इस साउंड को कुछ तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो ये यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेजेस को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब क्या है ये, मतलब क्यों है ये, देखा जाए तो बना तो मस्त है गाइस। लेकिन अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, एक चीज़ ये बहुत रियलिटी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी WhatsApp के एकदम एडवांस एडवांस नए नए फीचर आए हैं, है ना, चाहे वो डिसअपीयरिंग मैसेज हो और भी जितने भी यहाँ पर बहुत एडवांस फीचर आए हैं इसमें नए नए बड़े बड़े, वो जो यहाँ पर 60% से ऊपर लोग इस्तेमाल नहीं करते, WhatsApp चलाने वाले लोग आज भी जितने लोग WhatsApp चलाते हैं वो उसको सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना 2016-2015 में चलाते थे। वीडियो कॉल करना, अपने रिश्तेदारों से बात करना, है ना, जो बड़े बड़े लोग करते हैं और यहाँ पर हम भी करते हैं, मैसेजेस करना, वॉइस नोट भी करते नहीं, कोई इमोजी भेजना, भैया स्माइली भेजना, बस इतना ही काम है, स्टेटस लगाना, देखना किस किसने देखा है, बस इतने ही लोग 60% से ऊपर व्हाट्सएप का अभी भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे व्हाट्सएप ने कितने भी फीचर लॉन्च कर दिए हो। तो अब एक स्टेटस ऐसा माध्यम है तो भाई वो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा व्यक्ति देखता है, तो उसको यहाँ पर WhatsApp स्टेटस के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। WhatsApp के ऐसे ऐसे बड़े बड़े फीचर्स को, जो डिसअपीयरिंग मैसेज हो गए, व्यू वंस का भी फीचर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, तो ऐसे ऐसे फीचर्स जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि लोगों को इंटरेस्ट दिलाते हैं, लोगों को दिलचस्पी आती है उन फीचर्स में, वो फीचर्स स्टेटस पर दिखाए जाते हैं और लोगों को भैया अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। ये होता है इन लोगों का WhatsApp में उद्देश्य, इन स्टेटसेस को, इन WhatsApp इन फीचर्स को लाना, मतलब WhatsApp अपने फीचर्स को WhatsApp के द्वारा ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वैसे तो इनके कोई फीचर पूछता ही नहीं है। लिटरली ये बात रियलिटी है, 60% से ऊपर लोग अभी भी वैसे ही इस्तेमाल करते हैं WhatsApp का जैसे पहले करते थे। तो ये बात है भाई। अब मेरे को एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन है मेरा, है ना, मतलब WhatsApp से या आपको भी पूछ पता हो, WhatsApp बोलते हैं हमारी जो स्टेटसेस हैं वो हैं एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, मतलब इंक्रिप्टेड है, तो भाई WhatsApp को तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल लग रहा है, मतलब WhatsApp पूरा स्टेटस लगा भी रहा है और सबसे ऊपर भी दिखा रहा है, मतलब अगर किसी और ने भी स्टेटस लगा लिया हो तो सबसे ऊपर भी दिखा रहा है, व्यूड अपडेट्स में भी सबसे ऊपर दिखा रहा है, चाहे हमने किसी और का पहले देखा हो, पूरा नियंत्रण है कुल मिलाकर WhatsApp के पास। म्यूट का बटन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जैसे एक नॉर्मल WhatsApp स्टेटस लगता है वैसा आ रहा है, बस रिप्लाई वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन WhatsApp कहता है स्टेटस टैब पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, हम खुद भी देख नहीं सकते, लेकिन ये लोग लगा रहे हैं, है ना। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं इतना ही यहाँ पर बोलना चाहता था जो कि मैंने बोला, मेरा जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर आप दे सकते हो, तो बताइए क्यों है, क्यों है, क्या है, क्या इससे हम समझ सकते हैं। तो ये है भाई, ये जो WhatsApp स्टेटस लगाता है ना अलग अलग से, इसका यही है भाई अंदरूनी राज जो कि मेरे को समझ में आया है। तो क्या करें अब हम, तो सिंपल सा है, अगर आप ये स्टेटसेस नहीं देखना चाहते, आप परेशान हो चुके हो, आप सिंपली WhatsApp जो स्टेटस उस पर क्लिक करो, मोर ऑप्शन में जाके म्यूट पे क्लिक कर दो, दोबारा से आपको WhatsApp की ओर से स्टेटस आएंगे वो नहीं दिखाई देंगे। मतलब एक तरह से ये जरिया ही बन गया है WhatsApp का अपने बड़े बड़े फीचर्स को प्रमोट करने का, और ये करता आ रहा है और ये मुझे लगता है आगे भी होगा। तो ये हो रहा है भैया मेटा मेटा के द्वारा, फ्रॉम मेटा, पहले फेसबुक दिखता था, मेटा दिखता है, मेटावर्स मैंने आपको बता रखा है, डिसअपीयरिंग मैसेज के बारे में मैंने बता रखा है, व्यू वंस फीचर के बारे में मैंने बता रखा है, वीडियोस जाके देखो वाली, एंजॉय करो, फीचर्स को समझो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मज़ा भी आया होगा, नॉलेज भी मिल गई होगी और सब कुछ पता चल गया होगा। तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, छोटी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई WhatsApp यूजर्स के लिए जानना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। WhatsApp और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।